हेलो बच्चों कैसे हो आप सब सो क्लास सेवेंथ के बच्चों साइंस की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों अपना चल रहा है नेशनल साइंस ओलम्पियाड का स्पेशल सीरीज और अपना आज का दूसरा लेक्चर है ठीक है तो चलो शुरू करते हैं बच्चों आज मैं कवर करने जा रही हूँ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाले चैप्टर को थोड़ी देर यहाँ पे क्या करेंगे शुरू में सबसे पहले जो जो कुछ एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको कवर करेंगे और फिर हम लोग शुरू करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स शुरू करते हैं तो हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग नेशनल साइंस ओलम्पियाड की तैयारी कर रहे हैं ठीक तो है तो साइंस लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम है क्लास फर्स्ट से क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए तीन सेट में एग्जाम होता है बच्चों सेट ए बी और सी ठीक है दो लेवल्स होती हैं इसकी लेवल वन लेवल टू आगे इंटरव्यूज होते हैं एंड सो ऑन यहाँ पे सारी डेट्स हैं और सिक्सटी मार्क्स का पेपर होता है इसमें से थर्टी फाइव मार्क्स साइंस के होते हैं ठीक है चलो तो सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करूं तो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं वो बेसिकली दो होते हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब बच्चों ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है जो ए सेक्शुअल पार्ट्स होते हैं या मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल जैसे लीव्स हैं जैसे स्टेम हैं जैसे रूट्स हैं मतलब इन पार्ट्स के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन होता है तो हम बोलते हैं उसे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है इसमें हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन okay? के बारे में पढ़ते हैं ओके इसमें हम फ्रैगमेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं बडिंग के बारे में पढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब फ्लावर के थ्रू और फ्लावर में मेल पार्ट फीमेल पार्ट इनके थ्रू जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये सारे दिए हुए हमें इसमें से कुछ समझने हैं तो रूट्स के थ्रू होता है ठीक है ये मैं आपसे क्लासेस के टाइम भी जब हमने ये चैप्टर कवर किया तब डिस्कस कर चुकी हूँ कि रूट्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है स्टेम के थ्रू होता है सब एरियल स्टेम के थ्रू होता है अब ये सब एरियल स्टेम होती क्या है देखो सब एरियल स्टेम में होता क्या है होता स्टेम ही है लेकिन स्टेम क्या है ऊपर जाती है ये ऊपर नहीं जाती ये थोड़ा सा जाके ऐसे टर्न ले लेती है ठीक है थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे टर्न ले लेती है तो पूरी हवा में नहीं जा पाती बहुत नीचे नीचे रहती है ऑल राइट right, फिर बर्ड एडवेंटिशियस बर्ड्स हो जाते हैं जैसे ब्रायोफिलम के बारे में बताया था कटिंग होती है लेयरिंग होती है ग्राफ्टिंग होती है टिश्यू कल्चर होता है रोज प्लांट में मैंने आपको कटिंग के बारे में बताया था स्टेम कटिंग के बारे में ठीक है तो ये सारी चीजें हम एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक बार हमने इसकी क्विक समरी कर ली ओके okay, अब मैं आपसे एक बार बच्चों बात करने जा रही हूँ यूट्रोफिकेशन की देखो क्या होता है जब खूब सारा वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है पौंड में अवेलेबल होता है तो उससे क्या होता है एलगी की ग्रोथ भी बढ़ जाती है ओके okay, तो एल्गी ग्रो करता जाता है और मल्टीप्लाई करता जाता है फ्रैगमेंटेशन के थ्रू फ्रेगमेंट्स में टूटता जाता है वो बड़े होते जाते हैं फिर फ्रैगमेंट में टूटता जाता है वो बड़े होते जाते हैं ठीक है ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता रहता है होता रहता है होता रहता है, होता रहता है। लार्ज एरिया को कवर कर जाता है ये और जब ये लार्ज एरिया को कवर कर जाता है छोटे ही पीरियड ऑफ टाइम में इसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन क्या बोलते हैं हम यूट्रोफिकेशन तो बच्चों इसके बारे में वैसे इन्वायरमेंटल साइंसिस की क्लास में पढ़ाया जाता है हो सकता है आपको वहाँ भी पढ़ाया जाए हो थोड़ी हायर क्लासेस में लेकिन अभी के लिए हमें पता होना चाहिए कि यूट्रोफिकेशन क्या चीज़ है तो एलगी की ग्रोथ जब हो जाती है ड्यू टू प्लेंटी ऑफ वाटर एक्सेस ग्रोथ हो जाती है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसे हम बोलते हैं यू ठीक है कुछ डायग्राम्स आपके सामने आपको दिख रहे होंगे बच्चों ये चैप्टर जब मैं आपको पढ़ा रही थी मैंने आपको बोला था इस चैप्टर में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो एक बार डायग्राम को देख लो जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है वो है बडिंग ठीक है तो बडिंग में क्या होता है सरफेस पे एक बड निकलता है चेन बनती जाती है बड्स की और ये सारे डिटैच होके फिर इंडिविजुअल जो हैं फॉर्म कर लेते हैं ठीक है तो बडिंग में क्या होता है बड्स बनते जाते हैं ठीक है जैसे इसमें देखो ये बर्ड फॉर्म हुआ फिर बर्ड बनते 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 चेन ऑफ बर्ड भी बन जाती है और ये फिर एज अ डॉटर सेल अलग हो जाते हैं ठीक है फिर हमने स्पोर फॉर्मेशन की बात करी तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया था ब्रेड के बारे में ब्रेड मोल्ट तो उसमें फंगस की ग्रोथ हो जाती है होता क्या है जब उनको कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं ओके जब उनको लगता है कि हाँ अब हमारी ग्रोथ हो जाएगी वो स्पोर्ट जो हैं वो फूटने लगते हैं ठीक है स्पोर्स जो हैं वो फूटने लगते हैं तो क्या होता है ये जो स्पोर की स्कोर स्पोर के ऊपर जो एक कवरिंग होती है स्पोर कोट वो अनफेवरेबल कंडीशन से उसे बचाता है जैसे ही उनके हिसाब से फेवरेबल कंडीशन आ जाती है ये जो बाहर की कोटिंग है ये फूटने लग जाती है और ये स्पोर्स फटाक फट जाते हैं ठीक है फिर ये जहाँ जहाँ गिरते जाते हैं वहां वहां अपनी कॉलोनीज बनाते जाते हैं ठीक है ये हमारा डायग्राम है स्पोर फॉर्मेशन का ओके ब्रेड मोल्ड पे किस तरीके से हो जाता है देन थर्ड डायग्राम है बच्चों यहाँ पे पोटैटो ट्यूबर का किसका है ये पोटैटो ट्यूबर देखो पोटैटो पे आईज होती हैं आई ऑफ द पोटैटो उसको अगर कट करके उगाया जाए तो वो पोटैटो 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 के पोटे अलग अलग प्लांट्स बना देता है ठीक है तो इस हिसाब से पोटैटो ट्यूबर किस तरीके से ग्रो करता है आई ऑफ द पोटैटो का कैसा यूज होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया फिर ब्रायोफिल्म की बात करें तो फोर्थ डायग्राम जो है वो है हमारा ब्रायोफिल्म का इसमें क्या होता है बर्ड्स आ जाते हैं बर्ड्स निकल आते हैं ठीक है और ये बर्ड्स जो हैं नया न्यू न्यू प्लांट बना देते हैं जैसे देखो यहाँ पे बर्ड आया था लेकिन इसमें न्यू प्लांट जो है वो उग गया ठीक है तो बर्ड्स की मदद से ब्रायोफिल्म के केस में इस तरीके से ग्रोथ हो जाती है ऑल राइट तो डायग्राम मैं फिर रिपीट कर रही हूँ इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना ओके okay. अब कुछ एक दो और बातें बता देती हूँ देखो जैसे बनाना की अगर मैं बात करूँ तो बनाना की जो स्टेम होती है उसकी बेस पे जैसे बनाना प्लांट है ठीक है उसकी बेस पे जो स्टेम होती है वहां पे आउट ग्रोथ्स आ जाती है बेस की जो स्टेम है उसकी बेस पे आउट ग्रोथ्स आ जाती है ठीक है तो ये जो होते हैं ना ये स्प्राउटिंग में हेल्प करते हैं ये मतलब नया प्लांट यहाँ से उगा देते हैं तो ये यहाँ पे जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं इन्हें हम बोलते हैं सकर्स क्या बोलते हैं इन्हें सकर्स तो ये क्या करते हैं न्यू प्लांट जो है वो उगा देते हैं बनाना का ओके फिर अगर मैं बात करूँ कि भाई नोड क्या है तो नोड अगर हम देखें कि ये स्टेम है अगर ये पार्ट हमारा है जहाँ से लीफ अराइज हो रही है तो उस पार्ट को हम बोलते हैं नोड क्या बोलते हैं नोड और जिस चीज से अटैच हो रही है उसे हम बोलते हैं एक्सल तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ ऑन नोड क्या होता है एक्सल और नोड क्या होता है वो पॉइंट या वो पोजीशन जहां से लीफ जो है वो अराइज हो रही है ठीक है तो नोड और एक्सल वर्ड्स हमें ध्यान रखना है क्लियर है चलो ओके okay. तो अब यहाँ पे आपके सामने है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर पार्ट्स ऑफ फ्लावर और पूरा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एक तरीके से इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा देखो शुरुआत करते हैं फ्लावर में मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट तो हमें पता है जो मेल पार्ट होता है वो क्या होता है स्टेमन ठीक है और फीमेल पार्ट कार्पल या पिस्टल तो स्टेमन मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है कार्पल या फिर हम कह सकते हैं पिस्टल ठीक है अब सबसे पहले अगर मैं मेल पार्ट की बात करूं तो इसमें दो दो पार्ट्स होते हैं इस तरीके से ओके ये जो पार्ट होता है ये होता है फिलामेंट और ये जो अपर पार्ट होता है ये होता है एंथर तो फिलामेंट एंड एंथर तो ये रहा फिलामेंट ये रहा एंथर ठीक है तो मेल पार्ट हमारा क्या है स्टेमन स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लॉन्ग ये पार्ट कौन सा है फिलामेंट और ऊपर वाला पार्ट क्या है एंथर जिसके अंदर पोलन जो है वो बैठे होते हैं जिसके अंदर पोलन सिचुएटेड होते हैं ठीक है एक तो ये चीज फिर देखो हमें पता है कि सेप्पल क्या होता है पेटल क्या होता है पेटल जो हमारा कलर्ड पार्ट होता है सेप्पल जो हम कली होती है उसे बोलते हैं ना वो हमें पता है तो उसके बारे में डिटेल में जाने की इतनी अभी जरूरत नहीं है अभी मेल मेन फोकस हमारा मेल पार्ट और फीमेल पार्ट पे होना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर अगर हम बात करें पेटल्स की तो मैंने आपको बता ही दिया ठीक है सेपल भी आपको मैंने बता ही रखा है आप बात करते हैं अब अपन बात करते हैं कार्पल या पिस्टल की ठीक है तो ये क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है है ना तो ये जो टॉप मोस्ट रीजन होता है ये क्या होता है स्टिग्मा ये क्या होता है स्टाइल और नीचे स्वलन पार्ट होता है वो होता है ओवरी और ओवरी में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं ठीक है तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी बहुत 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 जरूरी है right, चलो सीड भी एक बार बात कर लेते हैं तो सीड देखो दिखता कैसा है इस तरीके का है ना एक्चुअल में अगर हम सीड को बीच में से तोड़ दें बीच में से यूं कट करें और खोल खोल दें उसे तो आ, ऐसा दिखता है ऐसा होता क्या है उसमें सीड कोट होता है सबसे पहले तो अंदर उसमें इस तरीके से एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है ठीक है जो अपर पार्ट होता है वो होता है बेबी शूट जो उसका नीचे का पार्ट होता है वो होता है बेबी रूट ठीक है और जब हम लोग सीड को इस तरीके से तोड़ते हमें दो पार्ट्स दिखते हैं इन्हें हम बोलते हैं कॉटिलिडंस क्या बोलते हैं कॉर्टिलिडन्स सीड है उसे तोड़ दिया जैसे फॉर एग्जाम्पल राजमा है ठीक है राजमा को अगर बीच में से यू करो, करोगे तोड़ोगे तो वो दो पार्ट देगा तो वो क्या कहलाएंगे उसके कॉर्टिलिडंस ओके okay, तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है चलो तो ये तो हमारी थी बच्चों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमें ध्यान रखनी है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं की पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखना है अब शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन आपके एनएसओ के हिसाब से ठीक है चलो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेंट्स नेम्स ऑफ टर्म्स असोसिएटेड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ओनली यहाँ पे दिया है कि इनमें से कौन इनमें से कौन सा ऑप्शन है करेक्ट जिसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बताया गया है ठीक है तो इनमें से कौन से ऐसे नेम्स हैं जिसमें फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है अभी हमने देखा था कि ये जो रीज ये जो स्ट्रक्चर है ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का इसमें ये होता है फिलामेंट और ये क्या होता है एंथर ठीक है फिर हमने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस तरीके से होता है सबसे ऊपर होता है स्टाइल सॉरी सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा फिर होता है स्टाइल फिर होती है ओवरी तो अपन लेबल कर देते हैं ये हो गया हमारा स्टिग्मा ये हो गया स्टाइल और ये हो गई ओवरी ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें ये होता है हमारा फिलामेंट और ये होता है एंथर ठीक है इसको रेफर करेंगे फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है स्टिग्मा फिलामेंट ओवरी तो बच्चों फिलामेंट तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मेल में आता है है ना तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि यहां पूछा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को ही कौन सिर्फ बताता है ऑल राइट नेक्स्ट है एंथर स्टिग्मा स्टाइल तो एंथर अगेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया गलत आंसर हो गया नेक्स्ट है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तीनों ही क्या हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा और फिर है एंथर एंथरफिलामेंट स्टाइल तो एंथर फिलामेंट दोनों ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन ठीक है तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी क्योंकि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तीनों ही क्या हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स प्रोपोगेट वेजिटेटिवली थ्रू रूट्स अच्छा जी चलो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे हमें जो जो ऑप्शन दिए हैं उनको कवर करते हैं कि वो किनके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करते हैं फिर इसका आंसर डिसाइड करते हैं तो देखो यहाँ पे हमारे पास है एक तो दलिया फिर हमारे पास है स्वीट पटेटो और हमारे पास है स्पैरेगस ठीक है तो ये तीनों ही बच्चों रूट के थ्रू जो है वो वेजिटेटिवली प्रोपोगेशन शो करते हैं फिर इसके बाद में अगर जिंजर टर्मरिक तर्म, की बात करूं जिंजर टर्मरिक तो ये राइजोम्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करते हैं ठीक है फिर अगर मैं बात करूं अनियन और गार्लिक की तो अनियन गार्लिक बल्ब के फॉर्म में वेजिटेटिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, शन शो करते हैं बल्ब्स निकल आते हैं ठीक है इस तरीके से आउट ग्रोथ हो जाती है ओके okay, इस, इसी तरीके से राइजोम भी एक इस तरीके से बन जाता है ठीक है अदरक होती है ना अदरक में राइजोम बन जाते हैं ठीक है आई थिंक आगे इसका स्ट्रक्चर भी है देखो जैसे ये आपको ये नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है सिर्फ देख लो ये क्या है ये है जिंजर इसमें आप देख रहे हो किस तरीके से ग्रोथ है ये देख रहे हो जहां पे मेरा पेन है ये से है, इस तरीके से ग्रोथ हो जाती है ये वेजिटेटिव प्रोपेशन शो करके नया जिंजर प्लांट उगा देते हैं ठीक है तो अनियन गार्लिक में बल्बस के थ्रू होता है और अगर मैं बात करू ऑक्लिस और क्राइसेंथेम यहाँ पे दिए हुए देखो ये सारे क्राइसेंथ क्राइसेंथेम ठीक है ये थोड़ा सा बोलने में ऐसा लगता है ना अरे क्राइसेंथेमम ऐसे बोलते हैं इसको ठीक है तो ये होता है सब एरियल सब एरियल स्टेम के थ्रू ठीक है किसके थ्रू होता है सब एरियल स्टेम मैंने बताया था ना कि ये जो स्टेम होती हैं ये पूरी ऊपर नहीं जाती ये थोड़ी सी ऊपर जाके ऐसे तरीके से टर्न ले लेती हैं ठीक है इस तरीके से टर्न ले लेती हैं ये ऐसी होती हैं सब एरियल स्टेप तो ये इनके थ्रू वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हैं ऑल राइट right, अब हमसे पूछा है कि रूट्स के थ्रू कौन करता है तो रूट्स के थ्रू दलिया स्वीट पोटैटो और एस्पैरेगस ठीक है सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखो जिंजर अनियन गार्लिक तो जिंजर राइजोम अनियन बल्बस है ना गार्लिक तो भाई जिंजर अनियन ही मैच नहीं कर रहे हैं तो ये कैसे होगा ओके गार्लिक भी बल्ब्स के थ्रू है तो ये तो हमारा आंसर गलत हो गया अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना ये जो मैं लिख रही हूँ ना साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना कि दलिया का किसके थ्रू वेजिटेटिव प्रपोगेशन करता है अनियन किसके थ्रू करता है तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है इसलिए मैंने सारे लिख दिए ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान रहे ठीक है फिर टर्मरिक स्वीट पोटैटो एस्पैरेगस तो टर्मरिक तो देखो राइजोम से करता है स्वीट पोटैटो रूट से करता है रूट से करता है लेकिन टर्मरिक तो राइजोम से करता है गलत हो गया थर्ड है दलिया स्वीट पोटैटो तो भाई ये करेक्ट हो गया क्योंकि रूट से करता है फिर दिया हुआ है ऑग्जालिस क्राइसेंथेमम स्पैरेगस तो ये भी गलत हो गया क्योंकि पहले दो तो सब एरियल स्टेम से हैं और स्पैरेगस रूट से है ठीक है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफर टू द गिवन फिगर तो यहाँ पे एक फिगर को रिफर करना है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है उनके हिसाब से तो देखो सबसे पहले हमारे जो पी क्यू आर एस यू टी वी जो भी हैं है ना पी क्यू आर एस टी यू वी जो भी हैं इनको लिख लेते हैं ये क्या हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पी से पी हमारी क्या है सेपल है ना कली है ना ओके okay. अब शुरू करते हैं बच्चों क्यू से तो क्यू है पेटल देख लो क्यू यहां पे पेटल है ठीक है आर की अगर मैं बात करूं तो आर मुझे एंथर दिख रहा है ये देखो ये है एक्चुअली आर ठीक है आर है हमारा एंथर ओके एस की बात करें तो बच्चों एस ये हो गया हमारा फिलामेंट है ना एस है फिलामेंट ओके okay. तो पी क्यू आर एस तो आपको पता चल गया है ना अब चलते हैं टी तो टी यहाँ पे क्या है टी सबसे अपर पार्ट है सबसे अपर पार्ट होता है स्टिग्मा ओके okay. है स्टाइल और वी है स्वलन बेस ओवरी तो ये हमने पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए अब ऑप्शन रीड करते हैं तो सबसे पहले हमें दिया है कि पी और यू भाई पी है सेपल U है स्टाइल ये कह रहा है पी और यू बीस को अट्रैक्ट करते हैं और बटरफ्लाईज को अट्रैक्ट करते हैं और पोलिनेशन में हेल्प करते हैं बच्चों अगर यहाँ पे हम, हम देखें कि सेप्पल और स्टाइल तो बच्चों ये तो बटरफ्लाइज और बीस को अट्रैक्ट नहीं करते पेटल्स अट्रैक्ट करती हैं है ना पेटल्स अट्रैक्ट करती हैं और स्टिग्मा अट्रैक्ट करता है ठीक है जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है तो ये तो गलत हो गया फिर हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि पोलिनेशन में पोलन ग्रेन्स जो हैं वो टी से आर जाते हैं मतलब पोलिनेशन में पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा से एंथर जाते हैं अरे ये तो बिल्कुल ही गलत है पोलन ग्रेन्स तो एंथर से स्टिग्मा आएंगे ना ये तो उल्टा दे दिया हटाओ ये भी गलत हो गया फिर हमें दिया हुआ है कि टी यू वी मतलब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं हाँ जी ठीक है और ओव्यूल्स जो हैं वो वी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स ओवरी के अंदर होते हैं बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये तो है ना तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया फिर हमें दिया हुआ है कि आर एंड एस एंथर एंड फिलामेंट ठीक है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और प्रोटेक्ट करते हैं फ्लार को बर्ड कंडीशन में तो बच्चों फ्लार को बर्ड कंडीशन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रोटेक्ट नहीं करता ठीक है बर्ड कंडीशन में सेपल प्रोटेक्ट करता है ओके

देखो स्केल लीफ क्या होता है मैं आपको बताती हूँ छोटी सी मॉडिफाइड लीफ होती है स्मॉल मॉडिफाइड लीफ लीफ ही होती है छोटी सी थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन आ जाता है ठीक है तो यहां पे आप देखो इस तरीके से यह है छोटी सी लीफ जो थोड़ी सी मॉडिफाइड है इसलिए हम इसे कह रहे हैं स्केल लीफ ठीक है फिर अगर मैं y की बात करूं और मैं z की बात करूं तो देखो z हमारे क्या है राइजोम रूटी लाइक रूट्स के जैसे है ना तो z क्या हो गए z तो ये स्केल लीफ क्या था एक्स z क्या है रूट्स ओके और y क्या है तो देखो हमारा ऑप्शन जो है सी मैच होता हुआ दिख गया है ओके y यहाँ पे देखो एक इस तरीके से आउट ग्रोथ है और ये आउट ग्रोथ क्या है बर्ड की ओके यहां पे क्या है बर्ड तो इधर क्या होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा या वेजिटेटिव प्रपोगेशन होगा बर्ड के थ्रू भी और रूट राइजोम के थ्रू भी ठीक है तो हमारा करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा स्केल लीफ बर्ड रूट ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लारिंग प्लांट तो देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है देखो हम लोग बता रहे हैं हम लोग ये कहते हैं कि पॉलिनेशन हो रहा है पॉलिनेशन हो रहा है मतलब कि जो पोलन ग्रेन से वो एंथर या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आए हैं अब जब ये एंथर है ये पोलन जो आए हैं ये पोलन ट्यूब के जरिए ओवरी में एंटर होते हैं और फ्यूज होते हैं ये ओव्यूल के साथ तो जब ये फ्यूज होते हैं ठीक है इस प्रोसेस इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन यहाँ पे पूछा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा ठीक है तो सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर तो क्या फ्लावर का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद हो जाता है नहीं ऐसा नहीं होता एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है ठीक है तो ये आपका गलत हो गया ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन तो ट्रांसफर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर पोस्ट फर्टिलाइजेशन थोड़ी है ये तो प्री फर्टिलाइजेशन है फर्टिलाइजेशन के पहले ही तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ ये भी गलत है फिर फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन तो है ही नहीं Last दिया तो ये एकदम सही है क्योंकि जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फॉर्म होता, होता है वो एम्ब्रियो में मॉडिफाई हो जाता है ठीक है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑल राइट नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट द मिस मैच पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ठीक है जी तो यहां पर हमें मिसमैच्ड पेयर देखना है मतलब जो गलत मैच हुआ हुआ है सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है ईस्ट एंड हाइड्रा तो बच्चों ईस्ट और हाइड्रा के, के केस में बडिंग होती है ये करेक्ट है बडिंग में होता क्या है इस तरीके से ऑर्गेनिज्म होता है बड डेवलप होता है बड की चेन डेवलप होती है न्यूक्लियर मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और ये बड्स जो हैं ये अलग अलग हो जाते हैं ठीक है थीके? तो ईस्ट में और हाइड्रा में बडिंग होती है ये हमारा करेक्ट है क्या है ये करेक्ट लेकिन यहाँ पे हमसे मिस मैच पेयर पूछा है नेक्स्ट है पेनिसिलीन फर्नस तो देखो ये फंजाई को बिलोंग करते हैं फंजाई को बिलोंग करते हैं ठीक है और फंजाई केस में स्पोर फॉर्मेशन होता है तो इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन होता है ठीक है इसके अंदर क्या होता है ये स्पोर कोट है अंदर स्पोर्स हैं तो ये इनको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये क्या करते हैं ये फटते हैं और इस तरीके से स्पोर्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं ठीक है तो ये पेनिसिलिन फोन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये भी हमारा करेक्ट है फिर है यहाँ पे स्पायरोगेरा बायोफिल्म विद द हेल्प ऑफ फ्रैगमेंटेशन तो बच्चों स्पायरोगैरा तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है इस तरीके से होता है ना हमारा ये स्पायरोगैरा बीच में से इस तरीके से ब्रेक होता है वाटर करंट्स के थ्रू तो ये फ्रैगमेंट बना लेता है तो स्पायरोगैरा तो फ्रैगमेंटेशन देता है लेकिन ब्रायोफिलम के केस में बर्ड्स लीफ बर्ड्स के थ्रू जो है मल्टीप्लिकेशन होता है फ्रैगमेंटेशन के थ्रू नहीं होता है तो ये हमारा एक तो मिसमैच पेयर हो गया और फिर है दस दलिया इस्पेरेगस रूट ट्यूबर के थ्रू तो रूट्स में ऐसे ट्यूबर्स निकल जाते हैं जिनके थ्रू ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हमारा करेक्ट है दलिया एंड अस्पैरेगस ठीक है तो मिस मैच पेयर हो गया हमारा ऑप्शन सी दैट इज ब्रायोफिलम स्पायर वगैरह का फ्रैगमेंटेशन ठीक है चलो सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं सेवेंथ है रिफर टू द गिवन फिगर तो यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है इसमें कुछ एक्स वाई जेड है हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग एक्स वाई जेड तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम देखें हमें क्या पता चल रहा है हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे पॉलिनेशन है कि नहीं अब पॉलिनेशन दो टाइप का होता है एक तो सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन तो जब हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की तो सेल्फ पॉलिनेशन में होता क्या है जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं सेम फ्लावर के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर सुनना वापस से सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं सेम फ्लावर के स्टेमन से कार्पल पे मतलब मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे अगर हम इसमें एक्स वाई जेड में एक्स की बात करें तो देखो सेम फ्लावर में मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में पोलन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो हमारा एक्स जो है वो है सेल्फ पोलिनेशन यही मैं अगर बात करूं वाई की और जेड की तो मतलब मैं बात करूं क्रॉस पोलिनेशन की तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है जो पोलन्स हैं उनका ट्रांसफ़र होता है या तो सेम ही प्लांट में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे या फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पर अपोजिट प्लांट्स या हम कह सकते हैं पर अलग अलग प्लांट्स जैसे आप एक्स अगर आप वाई की बात करो वाई में हो क्या रहा है प्लांट तो सेम है लेकिन दो अलग अलग फ्लावर्स हैं दो अलग फ्लावर्स हैं ये है फ्लावर वन ये है फ्लावर टू अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं इस तरीके से तो ये भी क्रॉस पोलिनेशन है और अगर ये है प्लांट नंबर ए ये है प्लांट नंबर बी अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं प्लांट के फ्लावर से टूवर्ड्स बी पार्ट के या बी प्लांट के फ्लावर में तो इस तरीके से भी क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ठीक है अब सबसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट्स प्रोसेसेस एक्स एंड वाई ठीक है तो ये स्टेटमेंट तो हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये कह रहा है कि अगर प्रोसेस एक्स और वाई होगा तो यूनिसेक्सुअलिटी प्रिवेंट हो जाएगी ऐसा तो नहीं है है ना तो ये आपका गलत स्टेटमेंट हो गया फिर यहाँ पे हमें दिया है कि सीड सेटिंग इज अशॉर्ड इन प्रोसेस एक्स इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर तो ये कह रहा है कि सीड जो है वो पक्का सेट हो जाएगा एक्स के प्रोसेस से एक्स में हो रहा है सेल्फ पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं बिना पोलिनेटर से है ना अगर पोलिनेटर है भी नहीं सपोज कोई इंसेक्ट नहीं है कोई विंड नहीं है कोई वाटर नहीं है तो भी सीड सेट हो रहा है क्योंकि वो एक ही फ्लावर में पोलन का ट्रांसफर कर रहा है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है फिर ये दिया है कि प्रोसेस एक्स एंड जेड आर नॉट पॉसिबल इन करकुबिट्स एंड पपाया तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है कि भाई ये कह रहा है कि सेल्फ और क्रॉस पॉसिबल नहीं है तो ऐसा नहीं है फिर हमें दिया है कि प्रोसेस वाई और जेड डिफरेंट है जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे लाया जाता है तो अगर हम प्रोसेस वाई और जेड की बात करें तो ये कह रहा है कि डिफरेंट पोलन ग्रेन्स को जो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं बच्चों अगर जेनेटिकली डिफरेंट होंगे तो देखो वाई में तो ये पॉसिबल ही नहीं है जेड में फिर भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि प्लांट्स अलग अलग हैं लेकिन वाई में तो एक ही प्लांट है एक ही प्लांट में अगर दो फ्लावर्स हैं तो वो जेनेटिकली डिफरेंट कैसे हो गए है ना पेरेंट तो उनका एक ही है ना है ना तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी और बच्चों ये लेवल वन में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है एक और देख लेते हैं हम लोग ओके okay. फिर हमें दिया हुआ है कि इनकरेक्ट मैच क्या है तो यहां पे फ्रूट डिस्पर्जल एजेंट और पार्ट ऑफ सीट जो कि डिस्पर्जल में हेल्प करता है वो दिया हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले है ड्रम स्टिक विंड के थ्रू डिस्पर्जल विंग्स ऑफ सीट तो बच्चों ये तो हमारा एकदम ही करेक्ट है ड्रम स्टिक में विंड के थ्रू होता है और विंगी सीट्स होते हैं नेक्स्ट है मदार मदार वॉटर के थ्रू होता है नहीं वदा मदार जो होता है खेरी सीड्स हैं ये विंड के थ्रू होता है तो बस इनकरेक्ट मैच तो यही मिल गया बी ऑप्शन नेक्स्ट है कोकोनट वॉटर के थ्रू स्पॉन्जी आउटर कोट तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कोकोनट में स्पॉन्जी आउटर कोट होती है वाटर के थ्रू डिस्पर्ज होता है और जैनथियम में ऐसे स्पाइन्स लगे हुए होते हैं एनिमल्स से चिपक जाते हैं और ट्रांसफर हो जाता है ये भी करेक्ट है लेवल वन में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है तो हमारा इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन बी ऑल राइट तो भाई ये थे आज के रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार जाने से पहले अपना टाइम टेबल देख लो तो तीन बजे वैदिक मैथ्स की क्लास होती है आपकी मंडे टू सैटरडे चार बजे साइंस की क्लास होती है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे इंग्लिश की क्लास होती है चार बजे मंडे वेंसडे फ्राइडे और पांच बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है मंडे टू सैटरडे ठीक है आई होप आप सभी को आज की क्लास में मज़ा आया ऐसे ही पढ़ते रहिए थैंक यू एंड गुड बाय